चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपने अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको आपके आसपास हर जगह केमिकल रिएक्शन दिख रही होगी। आप मिल्क बॉइल करते हो, वाटर हीट करते हो, आप शुगर वाटर मिक्स करते हो, ये सब क्या है? ये सब रिएक्शंस है, ठीक है। आप अपने आसपास कहीं पर भी देखेंगे, आपके पैन पर आपने देखा है कि रोटी कुक होती है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। आपने फूड को छोड़ दिया है एक पूरे दिन के लिए, नेक्स्ट डे तक वो फूड में स्मेल आने लगती है, फूड खराब होने लगता है, जिसको आप बोलते हैं, वो भी क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है, वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिजल्ट होता है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी आपने आसपास आप चीजें देखोगे, वो सब एक केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट होता है। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, इसको समझते हैं हम लोग। तो केमिकल रिएक्शन एक बार जैसे ही आपको समझ में आने लग जाएगा, हाँ, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, एग्जाम में 1 मार्क्स का डेफिनेशन वगैरह भी डिफाइन करने को आता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन अ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ भी लीजिए, जैसे आपने लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप हीट कर दीजिए। आपने जैसे यहां पर लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया हुआ है यहां पर, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर आप हीट करोगे तो ये क्या बनाएगा? ये कैल्शियम मेटल देगा आपको, और साथ में क्या देगा? ऑक्सीजन गैस। इस तरह से आप कोई भी एक रिएक्शन है उस रिएक्शन को समझ सकते हो। तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, इसको आपने हीट किया तो कैल्शियम सॉलिड और ऑक्सीजन गैस आपको प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता कैसे चलता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हो गई? उसमें क्या होगा, वहां पर वेरियस ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगे। आइदर चेंज इन स्टेट हो रहा होगा, चेंज इन कलर हो रहा होगा, या फिर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा होगा, या फिर जो कंटेनर है उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, लाइक टेम्परेचर कम हो रहा होगा या फिर ज्यादा हो रहा होगा। ये सारे साइंस होते हैं केमिकल रिएक्शन के होने के लिए, ठीक है। तो इन साइंस को आपको समझते रहना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, उस चीज को आप समझिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? उसमें दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम किससे सेपरेट करते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम हमेशा एक फॉरवर्ड एरो से सेपरेट करते हैं। इसका जो एरो का टेल होता है ये किसको शो करता है? ये रिएक्टेंट को शो करता है। और एरो का जो हेड होता है वो किसको शो करता है? प्रोडक्ट को। अब एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ऊपर आपको एग्जांपल दिया, H2 प्लस O2 गैस H2O। यहां पर H2 गैस O2 गैस रिएक्ट करेंगे और आपको क्या मिलेगा? वाटर लिक्विड मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने में एक चीज का और ध्यान रखना होता है, हमको मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट भी शो करनी होती है। जैसे यहाँ पे H2 गैस है, O2 गैस है और वाटर आपको क्या मिल रहा है? लिक्विड। तो आपको इस रिएक्शन को यहां पर शो करना होगा। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन को हम एक केमिकल इक्वेशन से शो करते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट लेते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं।
आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मोर देन वन रिएक्टेंट हो सकते हैं, राइट हैंड साइड पे मोर देन वन प्रोडक्ट हो सकते हैं, और आपको इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को भी शो करना होता है, ठीक है। तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको आगे जाके इन्हीं रिएक्शंस को याद रखना है, ठीक है। फिर केमिकल रिएक्शन को हमने केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब केमिकल इक्वेशन को अगर आप केमिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है या प्रोडक्ट का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, इस चीज का एस्टिमेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करना पड़ता है या बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन में मास कभी भी ना कंज्यूम होता है ना ही कभी डिस्ट्रक्ट होता है, वो हमेशा रिएक्शन के पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी एग्जैक्टली उतना ही मास रहेगा। अब चाहो तो जैसे इस वाले एग्जांपल को, ऊपर जो एग्जांपल था आप उसको भी देख सकते हो, ऊपर वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर H2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 2, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो दो का कितना हो गया, दो का हो जाएगा आपका यहाँ पर 32, ये 2 है और ये 32 है, तो टोटल कितना हुआ ये 34, ठीक है। अब राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन देखते हैं, राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन अगर आपकी बैलेंस नहीं है तो पहले आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वहां पे होल्ड करा रहे हो, तो यहाँ पे एच टू प्लस ओ टू है और यहाँ पर ये है, तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इस जगह पर यहाँ पर 2H2, ठीक है, प्लस O2, तो इसको भी क्या कर दीजिए 2H2, तो हाइड्रोजन का अभी मास देखिए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स यानी 4, यानी अभी ये कितना हो गया 36। अब जरा इधर वाटर का मास देखते हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 इंटू 2 कितना हो गया 36, तो दोनों साइड का देखिए एटॉमिक मास इक्वल है, यानी मास इक्वल है, तो मास इक्वल होने का मतलब है कि रिएक्शन बैलेंस थी। रिएक्शन अगर बैलेंस है देन ओनली वी कैन गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट जो काम होगा वो है ये चीज सीखना कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारी लर्निंग है वो इसी चीज पर बेस्ड होगी कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एक केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना सीखना है, तो एक केमिकल इक्वेशन को देखिए, आपके सामने एक बैलेंसिंग का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो केमिकल इक्वेशन क्या लिखा है, जस्ट सेकेंड, पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां पर, चलिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आपके सामने लिखी है, CO plus O2 gives CO2, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एटम को पहले ध्यान से देखिए, अब यहां पर कार्बन ऑक्सीजन इतने सारे एटम्स हैं, किसी भी एक एटम से आप शुरू कर सकते हो। तो लाइक हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमने क्यों लिया, क्योंकि जो एटम आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में है हम वहां से बैलेंसिंग शुरू करेंगे, तो हमें कम सबसे कम टाइम लगेगा। तो आप राइट हैंड साइड को देखिए, सबसे पहले राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, CO2, CO2 में देखिए यहाँ पर कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो अब बस आपको क्या करना है, इस 2 एटम्स है, अब राइट हैंड साइड में देखिए ऑक्सीजन 2 जगह प्रेजेंट है, तो उससे थोड़ा दिक्कत होगा आपको बैलेंस करने में। आप हमेशा उस एलिमेंट को पकड़िए जिस एलिमेंट का सोर्स कोई एक ही मॉलिक्यूल हो। अब यहाँ पे हमने कार्बन देखा, कार्बन देखिए यहां पर सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है, कहां पर, इस जगह पर, तो यहां पर कार्बन वो भी एक ही जगह प्रेजेंट है, कितना कार्बन है यहां पर, ये 1 कार्बन था तो हमने इसको भी 1 रखा, ये यहां पे ऑलरेडी बैलेंस था। अब हमने यहां पे ऑक्सीजन देखा 2 था, लेकिन हमने यहां पर देखा कि ऑक्सीजन यहां पर ऑलरेडी 2 है और यहां पे 1 ऑक्सीजन था, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमने यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इस यहां पर हमने 2 लिख दिया, 2 लिख देने से कार्बन 2 हो गया, तो हमने यहां पर भी 2 लिख दिया, जिससे ये भी कार्बन 2 हो जाएगा। अब जरा ऑक्सीजन काउंट करिए, यहां पे 2 और 2, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन 2 और यहां पे कार्बन 2, इस तरह से आप यहां पे इक्वेशंस को आसानी से बैलेंस
कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज का, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। अब इस इक्वेशन को देखना है, पहले इस इक्वेशन को देखिए कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो जरा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे हर एक एलिमेंट को काउंट करिए, हर एक एलिमेंट को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे काउंट करना है। तो लेट हमने यहाँ पर एलिमेंट देखा, यहाँ पर जिंक कितना है हमारे पास, जिंक वन है, यहाँ पर जिंक, ये यहाँ पर एरो है, एरो यहाँ मिस हो गया है, यहाँ पे एक एरो है, और यहाँ पर जिंक कितना है, वन है, जिंक बैलेंस है। सल्फर देखा हमने, सल्फर यहाँ वन है और यहाँ पर सल्फर वन है, बैलेंस है। इसके बाद ऑक्सीजन देखा, यहाँ पे ऑक्सीजन फोर है और इधर भी ऑक्सीजन फोर है, ये भी बैलेंस है। और यहाँ पे हाइड्रोजन टू है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन टू है, यानी ये रिएक्शन पहले से ही ऑलरेडी क्या है आपकी, बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में रखी हुई है, ठीक है। तो आपके लिए इसको बैलेंस करना काफी आसान होगा, ठीक है भाई। चलिए हम लोग इसी चीज को एक और एग्जांपल से देखते हैं। लेट हमने यहां पर इक्वेशन ली CO प्लस, CO प्लस H2 गिव्स CH3OH, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है भाई। तो अब पहले जरा चेक करते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन कितने हैं, वन, राइट हैंड साइड पे वन है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन टू है, राइट हैंड साइड पे फोर है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन वन है और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन वन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो बस आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हमारे पास फोर हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, हमारे पास टू हाइड्रोजन था। तो बस आपको क्या कर देना है, इसको टू कर दीजिए। देखिए इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप इक्वेशन वगैरह को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे आपको नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल दिखेगा, हम लोग उसको यहीं पर ले रहे हैं। हमने लिया Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले चेक करिए कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर 3 है, भाई इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन बैलेंस करना है। अब स्टेप वन, दोनों साइड के एटम्स को देखिए, फिर देखिए सबसे आसान, देखिए कुछ यहाँ पे आपको मैं सर्टेन रूल्स बता रहा हूँ, बट कोई भी रूल हार्ड एंड फास्ट ट्रू नहीं होता है, बट आप उनको थोड़ा सा जनरलाइज करके वेरिएट करके यूज कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन आपके पास वन है, यहाँ पे ऑक्सीजन फोर है, यहाँ पे आयरन वन है और यहाँ पे आयरन कितना है, थ्री होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन टू है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, टू है। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है और आयरन और ऑक्सीजन इनबैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो एलिमेंट आपको सबसे ज्यादा हो दिख रहा है ना, आप हमेशा बैलेंसिंग उसी से शुरू कीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर हमने कलर चेंज कर लिया, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन फोर था तो यहाँ पर भी हमने फोर ऑक्सीजन क्रिएट कर लिया। अभी देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर बढ़ गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, एट। तो हाइड्रोजन का ये अकेला सोर्स है, इसका मतलब यहाँ पर भी उतने ही हाइड्रोजन होंगे, 4H2। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखिए बैलेंस हो गए। अब आयरन देखते हैं, यहाँ पे कितने आयरन है, थ्री। तो यहाँ पे आयरन कितने हो गए, थ्री कर दिया हमने। नाउ देखिए अब आपकी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को कितने भी आसानी से बैलेंस कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए इसको अपने आप करने की कोशिश करिए। हम लोग एक डिफरेंट एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया हुआ है बेरियम क्लोराइड और इसकी रिएक्शन हमने कराई है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। ध्यान से पूरी इक्वेशन को देखिए, आपको कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा फोकस सबसे ज्यादा वाले पे होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए सल्फेट आपके पास कितना दिया है, थ्री सल्फेट है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप सल्फेट को यहां पर बैलेंस करने की कोशिश करिए। सल्फेट यहां पर कितने है, थ्री है। तो हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पर थ्री कर लिया, सल्फेट बैलेंस हो गया। यहाँ पर एल्यूमिनियम देखिए टू है, तो यहाँ पर हमने इसको भी टू कर लिया, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा क्लोरीन कितने हैं, टू इंटू थ्री सिक्स, तो हमने यहाँ पे क्लोरीन सिक्स करने के लिए इसको थ्री कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपकी पूरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है,
समझ रहे हैं आप। इस तरह से हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल और गैस मेथड। हम जो मेथड यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल और गैस मेथड। हम लोग अलग अलग केसेस ले रहे हैं और अलग अलग तरीके से गैस करके यहाँ पर इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ये हुआ हमारा बैलेंसिंग वाला पार्ट। ठीक है, आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करिएगा, हम लोग इसको और अच्छे से आपको और ज्यादा एग्जांपल लेके भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको स्क्रीन को थोड़ा कर लेते हैं क्लियर। हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में से। हमें पता है जब कोई केमिकल रिएक्शन है वो कई तरह की हो सकती है, तो हम यहाँ पे सारे टाइप आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं विद एग्जांपल। सबसे पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड, व्हेन टू एलिमेंट और वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड और टू कंपाउंड, यानी एक दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हो, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हो, या दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हो और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है आपका यहाँ पर, कार्बन में, कार्बन को एयर में अगर आप बर्न करें, कार्बन सॉलिड को एयर में अगर आप बर्न करेंगे, एयर मतलब ऑक्सीजन गैस बर्न करेंगे, तो ये आपको क्या देगा प्रोडक्ट, CO2 गैस। तो यहाँ पर देखिए कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक हम मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, H2 plus O2 gives H2O। यहाँ पर देखिए दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे, तो इन शॉर्ट दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाया, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाया, दो कंपाउंड मिलके एक ही कंपाउंड बनाते हैं, यानी वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कई पार्ट्स में स्टडी कर सकते हो। तो डिकम्पोजिशन में जैसे कि यहां पर आपको बताया, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक करना, स्प्लिट करना, किसको, एक सिंगल कंपाउंड आपको दिया जाएगा उसको आप स्प्लिट करोगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट करने के हमारे पास कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे स्प्लिट करने का एक तरीका हो सकता है कि हमने एक कंपाउंड लिया उसको हीट कर दिया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ स्प्लिटिंग। दूसरा तरीका होता है कि हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको हमने डिकम्पोज किया। तीसरा तरीका हो सकता है कि हमने उसमें सनलाइट डालकर उसको डिकम्पोज किया है। तो जब हम लोग हीट डाल के डिकम्पोज करते हैं तो इस डिकम्पोजिशन को बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी डाल के डिकम्पोज करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जब सनलाइट डाल के डिकम्पोज करते हैं तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन तीन तरह से हम लोग कर सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन, सनलाइट डिकम्पोजिशन। ये हमारे पास अलग अलग पॉसिबल तरीके हो सकते हैं किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन को हम लोग और अगर चाहें तो और अच्छे से समझ सकते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं डिकम्पोजिशन के। डिकम्पोजिशन का हमने एग्जाम्पल लिया, तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो ये आपको क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस देगा। देखिए हीट का साइन क्या होता है, ये डेल्टा, ये डेल्टा हीट का सिंबल होता है। ये मैंने कौन सा डिकम्पोजिशन किया है, मैंने हीट दिया, हीट दिया मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन किया हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो गया वॉटर लिक्विड, वॉटर लिक्विड में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। तीसरा सनलाइट की प्रेजेंस में यानी फोटो डिकम्पोजिशन, हमने AgBr लिया इसको सनलाइट की प्रेजेंस, ये जो एच और इसको न्यू पढ़ते हैं एच न्यू, ये सिंबल ऑफ सनलाइट होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सिल्वर मेटल और ब्रोमीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और दिस डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन।
ठीक है, तो ये आपके पास थ्री डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन है। तो आपको देखिए, आपके लिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिएक्शन लिखने को आ सकती है, बैलेंस करने को आ सकती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां पे आपको डिस्प्लेस करना है। इट टेक्स प्लेस व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो आपको यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी सीरीज की जरूरत है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी सीरीज की जरूरत है, उस एक्टिविटी सीरीज की हेल्प से आप मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का डिसीजन लेते हैं। तो आपको पता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिकम्पोज कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे साइड में एक्टिविटी सीरीज कंप्लीट करके दे देता हूं, आप उसको याद कर सकिए तो अच्छा रहेगा। ये आपकी एक्टिविटी सीरीज है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक्टिविटी सीरीज दी है, ये कंप्लीट एक्टिविटी सीरीज नहीं है। इसमें इस एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर का एलिमेंट है वो अपने से नीचे वाले से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो आपको यही चीज यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा जिंक प्लस HCl। तो यहाँ पर देखिए जिंक है और हाइड्रोजन है, जिंक एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो ये क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, ZnCl2। और यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर जिंक ने HCl में के साथ रिएक्ट करके ZnCl2+H2 बनाया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्या ले लिया, Ag+ जिंक क्लोराइड ले लिया। अब आपसे मैं अगर पूछूं क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको एक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स लिखने को आ सकता है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है, डबल यानी दो एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, दो चीजें, दो सब्सटेंस, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे मैंने यहां पर लिया है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं सोडियम सल्फेट के साथ अगर कराऊं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे दोनों के देखो, इसका एनायन क्लोरीन है, इसका एनायन सल्फेट है, सल्फेट इधर चला जाएगा, क्लोरीन इधर चला जाएगा, तो बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, NaCl। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे दो Cl दो Na, ये 2NaCl हो जाएगा, यहाँ पे 1 Ba 1SO4 BaSO4 हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है भाई। बहुत आसान सी रिएक्शन है, सिर्फ आयंस को आपको क्या करना है, एक्सचेंज करके दे देना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में आफ्टर रिएक्शन यहाँ पर क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। After reaction आपको क्या मिलेगा, precipitate का formation होगा। तो इस precipitation reaction को आप, जो मैंने अभी double displacement में example दिया ना, वो precipitation reaction का भी example हो सकता है। जैसे उसी example को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या present है, barium chloride था और हमने उसमें क्या डाल दिया था, Na2SO4 डाल दिया, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड में Na2SO4 डालते हैं तो ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा और साथ में एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा। यहां पर ये प्रेसिपिटेट है,
प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो आप लोग? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब ड्यूरिंग रिएक्शन कोई ऐसा कंपाउंड बनता है जो सोल्यूशन में इनसॉल्युबल रहता है और वो अलग से दिखाई पड़ता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, मिक्सचर के अंदर, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है सोल्यूशन का। तो ये प्रेसिपिटेट कलर के फॉर्म में आते हैं। तो ये वाला प्रेसिपिटेट कैसा रहता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा और ये NaCl का क्लियर सोल्यूशन, यानी NaCl के सोल्यूशन के ऊपर BaSO4 प्रेसिपिटेट होके दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसमें किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। आप ऐसी कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, कोई भी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ पर जैसे हम लोग ले सकते हैं इधर, यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहां पर हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, AgNO3, ठीक है, और हमने इसमें HCl डाल दिया, तो होगा क्या, ये AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, और साथ में क्या बना लेगा, HNO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो हमारी रिएक्शन आती है, एक्सोथर्मिक। इसको याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक दो तरह की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट प्रोड्यूस्ड, यानी आफ्टर रिएक्शन इसमें हीट रिलीज होगी, यानी जो कंटेनर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, जब भी किसी कंपाउंड को कंबशन करते हैं, जैसे कि हमने लिया कार्बन और कार्बन को ऑक्सीजन में हमने हीट किया, बर्न किया, तो हमें ये क्या बनाएगा, CO2, और इसके साथ में क्या रिलीज होगी, हीट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे हम लोग दूसरी और कोई कंबशन ले ले, जैसे कि हमने CH4 मीथेन गैस है और उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, तो ये हमें क्या देगा, CO2+H2O, और इसके साथ में हमें क्या मिलेगी, ढेर सारी हीट मिलेगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन हमारे लिए क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है भाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, सच रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व, सच रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल उसी का जस्ट उल्टा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम अपनी तरफ से हीट देते हैं, अपनी तरफ से हीट देंगे, और हीट देने की वजह से वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे वाटर आपका प्रेजेंट था, तो वाटर प्रेजेंट है, हमने इस वाटर को यहाँ पे लिया, वो H2O, इसको हमने डिकम्पोज किया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2+O2 में। तो इस प्रोसेस में हमने हीट दिया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट आपको देनी पड़ती है, सच रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप एक ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए आप 10th क्लास में जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आप ऑक्सीडेशन को इन डेफिनेशन से बताओगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं ना तो ये डेफिनेशन आप कभी यूज नहीं करोगे। हायर क्लासेस में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को वाया इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन को थोड़ा समझते हैं। ऑक्सीडेशन का यहाँ पे मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीजन। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है, हमने एग्जांपल लिया इधर कॉपर है, कॉपर में हमने ऑक्सीजन गैस डाला, तो इसने ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होके क्या बना दिया, CuO। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। जिस कंपाउंड ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया था उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है भाई, क्लियर। अब इसी जगह पर हम हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल दिखाएं,
कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन डालें तो ये क्या बनाता है, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर कॉपर ने इस कंपाउंड ने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को क्या किया है, ऐड किया है। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा होगा तो इस प्रोसेस में इस कार्बन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, कार्बन का रिडक्शन हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर होता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है, अगेन यहाँ पर ये वाला कंपाउंड रिड्यूस हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो रिडक्शन होगा। ठीक है भाई, तो ये सब कुछ सर्टेन डेफिनेशंस हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग दूसरा सेगमेंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास इधर रिडक्शन। रिडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल नीचे दिए दिया है, नीचे हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है रिडक्शन का ही है ये वाला। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड किया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, रिडक्शन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको हीट करें तो ये Mg और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बस आपको डेफिनेशंस को यूज करते हुए चलना है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आई है रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में देखिए तीन रिएक्शन आपको सबसे इंपॉर्टेंटली समझना है, पहला था डिकम्पोजिशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट और तीसरा है रिडॉक्स। ये तीन रिएक्शन ही होती हैं जिनको आपको एग्जाम में करने को आता है, और जिनको डिफाइन करने को आता है, एग्जाम्पल वगैरह देने को आता है, एक्सप्लेन करने को आता है, शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। इन रिएक्शंस को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिया आपका रिडॉक्स रिएक्शन को। रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पहले समझते हैं। अ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। रिडक्शन एंड ऑक्सीजन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे कि MnO2 प्लस HCl गैस, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। यहां पर देखिए Mn ने ऑक्सीजन रखता है, इसने ऑक्सीजन को क्या किया है, रिमूव किया है, इसका रिमूवल हुआ है, यानी इसका यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन प्रेजेंट था और इसने हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन बनाया है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक ही रिएक्शन में देखिए एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे लाइफ में, अपने आसपास आप कहीं पर भी नजर डालोगे ना, हर जगह आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिल रही होती है। जैसे आप सबने देखा होगा कि आयरन को अगर रेनी सीजन में आयरन के बने हुए सामान को अगर आप एयर में खुला छोड़ दें तो क्या होता है, उसपे ब्राउन कलर की डस्ट लग जाती है, वो भी एक रिडक्शन का ही एग्जाम्पल है, वो भी एक रिडक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ध्यान देखेंगे अपने आसपास, आपने कभी फूड है उसको रात में आपने छोड़ दिया खुला और सुबह देखते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है, ये भी क्या है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे आसपास सब जगह है। तो इस चैप्टर में तीन रिएक्शन आपको सबसे अच्छे से पढ़ना है, पहला डिकम्पोजिशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा रिडॉक्स। इन तीन रिएक्शन को आप बिल्कुल श्योर मान के चले कि एग्जाम में अगर टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, आगे के जो रिमेनिंग चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।